सरपंच से भी मेरी बात हुई, वहाँ के लोगों से भी बात हुई है, मैं गया हूँ क्योंकि मैं सीमा इधर से मिलके मेरे से तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गलत महिला से मैं ना मैं वास्ता रखता हूँ, ना मैं उसके मैं दर्शन भी नहीं करना चाहता। मैं आपको साफ बताऊँ, क्योंकि एक परिवार को तोड़ के आई है, एक अपने समाज को तोड़ के आई है, एक अपने हंसते खेलते परिवार को तोड़ के आई है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैडम एक बात कहूँगा मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कि चैनल वालों को ये सीमा ही दिखती है क्या? कोई भी चैनल, आपका भी ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक है ना? तो मैडम मैं आप देखो, भारत के लोग भी जानते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने आवाज़ उठाई है कि एक वो इंसान किसी भी मजहब का है, किसी भी देश का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं सूर्य वर्मा सिर्फ एक ही बात उठाता हूँ, एक इंसान की, इंसानियत की बात उठाता हूँ। एक इंसान जो दिल टूट रहा है मेरा, कभी कभी मेरे को इतना गुस्सा आता है, सुन लो मेरी बात, कि किसी के बच्चे क्या मैडम, एक बच्चों को छीन के सचिन मीणा क्या, अरे उसको कोई बीवी नहीं मिली थी क्या है? वो कोई उसको बीवी नहीं मिली थी क्या भारत में? मीणा समाज में कोई बीवी नहीं मिली थी क्या उसको? कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? एक परिवार का घर उजाड़ दिया, लोग खुश हो रहे, पाकिस्तान से आई। अरे वो किसी, अरे जिसके साथ बीतती ना मैडम, वो बात देखो, एक इंसान गरीब मजदूर श्रमिक जो कमाने गया और पीछे से उसके चारों बच्चों को लेके घुस गई, और घुसी है इंटेलिजेंस ने सख्त से सख्त, जिस तरह से घुसी है, जो जो लोग इनके बीच में थे, जिस तरह से उनको भारत में प्रवेश करवाया गया है ना, उनके सबके नाम की पोल खुल गई है, उनको सख्त से सख्त, हमारी कानून व्यवस्था बहुत बहुत बड़ी है, उनको सख्त से सख्त सजा भी होगी, और इसको एपी सिंह को भी डंडा चलेगा। मैं आपको बताऊँ, वकील है, वकील का मतलब ये नहीं होता, देखो वकील का काम होता है, वकील का अपना केस लेना, उसने केस ले लिया और बहन भी बना लिया, पर एक परिवार तो कितना जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ मैडम, सीमा हैदर, अरे उसकी TRP बढ़ रही है जितना आप लोग दिखाओगे, उसके लिए 6-6 चैनल बना लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, 6-6 अपने चैनल बना लिए हैं, और 6-6 चैनल पे उनके व्यू देखो। आज ये एक ऐसा मुद्दा है, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल वाला चल जाते तो उसकी वीडियो चल जाती है, देखो नाम तो हो गया, लेकिन किसी ने आज तक चैनल पे ये दिखाया है कि वो किस तरह से यहाँ पे घुसी, किस तरह से यहाँ से आई, किस तरह से वो अपने YouTube चैनल बन गए, किस तरह से उसने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है, किस तरह से उसने अपना भविष्य खराब कर लिया है, किस तरह से इस गुलाम हैदर, जिसके गुलाम हैदर के सचिन मीणा के बच्चे नहीं, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं उसका भविष्य खराब कर दिया है, जिस तरह से भारत सरकार हमारी पूरी बहुत उन्होंने सोच समझकर ये कहा है, देखो कहती है योगी सरकार है, योगी सरकार ने बहुत लोगों ने भी उनके उसके प्रति कहा है, सीमा सचिन के प्रति वहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाई है, रघुपुर आगे लोगों ने भी, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, 10 आए 4 आए, देखो दो देशों की बात है, ठीक है, आप जानते हो कि दो देशों की कैसी बातें हैं। देखो मैं प्रेम वाला इंसान मैडम, प्रेम बांटने वाला, सुनो मुझे मजहब नफरत ये चीज़ें मेरे को है ना शोभा नहीं देती, मैं तो प्रेम बांटना इंसान जानता हूँ, क्योंकि प्रेम ऐसा प्रेम बिना हो के चार बच्चे किसी बाप से छीन के इस तरह से किसी देश में घुस जाए, ऐसा प्रेम भी नहीं। प्रेम देखो दो देशों की बात है, उन्होंने कहते हैं रघुपुर कहते हैं ऐसी 2-4 आ जाए, अरे मैडम खाने के दाने नहीं है, हैं सुन लो मेरी बात, और किसी का घर उजाड़ना के 4-5 आ जाए, अरे कौन रख रहा है, और फिर कहते हैं हिंदू में रखना, देखो ये एक गलत भाषा फैलाने की बात है कि आने दो, चाहे हिंदू की, मजहब की, अल्पसंख्यक की, मुस्लिम की बात हो, कि वो आएगी हम यहाँ हिंदुओं में कर लेंगे, अरे ये मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, कट्टर मैडम हिंदू हूँ, सुन लो जय श्री राम, मैं कहता हूँ भारत माता का नागरिक हूँ, भारत की बात करता हूँ, लेकिन जो इस तरह की बातें करते हैं ना, ये मैडम ये देश के लिए नहीं है, ये देश में प्रेम भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने वाले लोग हैं ये। अच्छा। ये मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की बात ना सुनी जाए कि 4-4 और आ जाएगी हम भी रख लेंगे फिर उसको हिंदू में वो कर देंगे, अरे भैया ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है, अरे प्रेम में मैं कहता हूँ प्रेम की बात है, लेकिन ये जो इस तरह की बात है ना, और आने दो देश में घुस जाए हैं हम उसको हिंदू बना देंगे, यार ये बनाना ये है ना, ये मैडम क्या होता है, ये उनकी है ना सोच, एक है ना बहुत अलग तरह की सोच है इन लोगों की जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैडम सुनो कोई ठीक है, और जिस तरह से वो कमा रही है, इतना अच्छा घर बन रहा है, अच्छी गाड़ियां ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सचिन जो है, सचिन जो मीणा जो 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला,
अगर मैडम कहा भाई पबजी से प्यार हुआ, मैडम ये दुनिया को ना सब ड्रामाबाजी थी, ठीक है, अब हमारे देश में घुस के बैठी है, ठीक है ना, इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई होने वाली है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से कही थी, मैंने रघुपुरा में कहा भी था कि आपके बच्चों की भी बात कराऊंगा, फिर मैंने ये बात रखी है वहाँ पे और जल्द से जल्द उसके बच्चों की भी बात रखी जाएगी। तो मैडम ऐसी जो महिलाएं हैं, मैं देखिए अभी आप, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने अभी बात करी है बच्चों की, आज बच्चों का जो भविष्य है, अभी आपने पूछा कि भाई वो चैनल बना रही है कमाई, आज यकीन नहीं करो कम से कम नहीं तो महीने के मैं 4-6-7 चैनल है, सास ससुर मौसा सही माँ ए पी सिंह इन सब ने मिलके ना एक ये इतने सारे तो चैनल बना लिए हैं। मैडम ये एक प्यार प्रेम नहीं था इनका, ये एक धोखा धोखे से आई है और धोखा करके आई है एक गरीब इंसान के साथ, ठीक है ना, और यहाँ आके पैसा कमाना, पैसा देखो यूट्यूब चैनल, ठीक है, वैसे वो क्या करती थी क्या नहीं सबको पता है, दुनिया को, बहन बेटी किसी भी धर्म की, चाहे अगर मुस्लिम की हिंदू में जाते हैं, हिंदू की मुस्लिम में जाती है, अगर अगर परिवार अच्छा है, परिवार से सही रहेंगे तो मैडम कोई लड़की ऐसा चाहेगी कि मेरा पति खराब हो जी। एक मिनट, लेकिन कोई पति ये भी नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी सही रहे, वो तो ये चाहेगा मेरी पत्नी अच्छा खाए पिए सबको, ठीक है, गुलाम हैदर के बच्चे क्यों, सिर्फ किसके, गुलाम हैदर के। देखिए कोई भी पति, कोई इंसान किसी के बच्चे, एक पत्नी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी के बच्चे हैं वो, किसी के उसने पैदा किए, जन्म देखो जन्म माँ ने दिया है, लेकिन उसमें एक पति का पिता का जो बाप होता है उसका पूरा हक होता है, ठीक है जी। तो आज इन्होंने जो कमाई का साधन बना रखा है, ठीक है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ आ रही है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की साड़ियाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही है, मुझे जलन नहीं है, हमारा देश का खा रही है, झूठ बोल के हमारे देश में घुसी, छल कपट करके हमारे देश में घुसी, हमारा देश का खा रही है, हमारे देश की महंगी महंगी साड़ी गिफ्ट मिल रहे हैं, अरे क्या है वो मिथिलेश भाटी ने एक शब्द के उसके शब्द बोला था ना, क्या है लिप्पू सा झुंगूरा जो शब्द बोला, उसको भी वायरल करवा दिया, चलो वो तो हमारी बहन है मिथिलेश बहन, वो तो उसने तो बोला था अच्छा ही बोला, जिस तरह से उसकी शक्ल है, जिस तरह से उसके हालात है, इस तरह से मिथिलेश मेरी बहन ने बहुत अच्छा बोला था, तो उसका भी मुद्दा बना दिया। तो ये मैडम जो इन्होंने एक गिरोह बना रखा है, पारिवारिक गिरोह बन गया इनका, एक बच्चे छीन के और पारिवारिक गिरोह, ठीक है, भारत सरकार ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया है इसके लिए, सपोर्ट कर रहा था उसको, पैसे भेज रहा था, एक उसका घर बेच के आ गई मैडम, एक बेचारे का घर बेच के आ गई है, अपना उसकी माँ को दर्द दे दिया, रो रही है बेचारी, वो रो रहा है, आपने अभी गुलाम हैदर की वीडियो नहीं दे रही, रो रहा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, अरे भाई मैं भैया एक अकेला सूर्य वर्मा तो क्या लड़ाई लड़ूं, मैं तो अपने देश में, मैंने आपकी बात रखी है, पूरे देश के अंदर आपकी मैंने बात छेड़ी है, तो पूरे देश ने, हमारे 140 करोड़ लोगों ने, मैडम मैंने जब बात की ना तो 140 करोड़ लोगों ने मेरी बात सुनी है, मैं आपको बताऊं कि कोई हक की बात कर, मेरी बात सुनी मैडम, देखिए वो एक बच्चे हैं जिसके एक पिता है, एक पिता ना दुनिया में मैडम कहीं से भी लड़ सकता है, आपने विजय की बात करी, वो देखिए कानूनी प्रक्रिया से चलेगा तो उसके बच्चे जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमारा संविधान बहुत बढ़िया है और सख्त भी है, बढ़िया के साथ में सख्त भी है, लेकिन वो अपनी कुछ कानूनी प्रक्रिया करके आएगा, वहाँ से अपनी FIR दर्ज करा, वहाँ से अपना वीजा अप्लाई कर, भारत सरकार को लिख, ठीक है, भारत सरकार सुन रही है, और गुलाम हैदर को किसने रोका है भारत आने के लिए बताइए मुझे, किसने रोका है भारत आने के लिए, मैं स्वागत कर रहा हूँ, पूरा भारत स्वागत कर रहा, सरकार स्वागत कर रही है, कोई चोर है क्या, कोई बदमाश है क्या, कोई गुंडा है क्या, वो एक इंसान है, अपने बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए आएगा क्या, एक बाप अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता मैडम, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ मैं कहता हूँ ऐसे इंसान के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, और इसकी आवाज मैंने बुलंद की है, और मैं जब भी मुझसे कोई बाइट लेने आता मैं देता हूँ, अगर गुलाम सचिन की बात इनकी आती है तो मैं जरूर बताता हूँ कि देश में इस तरह की हरकतें ना हो, आगे नहीं होगी, और अगर इस तरह की आगे होगी तो मैं तो क्या, हमारा पूरा भारत इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ऐसी ऐसी महिलाएं नहीं चाहिए हमें, ऐसी महिला का सम्मान नहीं चाहिए, आज अगर वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रही है, क्या वो हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, कर सकती मैडम, 100 बार कर सकती है, जब कानून का और मैडम पूरे हमारे भारत सरकार का डंडा इन पे चलेगा ना तो ये कहीं भागने के लायक नहीं रहेंगे, और एक पिता के बच्चे हैं, अपना भारत में आ, अपना वकील है, मैंने कह दिया वकील फ्री व्यवस्था यहाँ, ठीक है, मैंने एक वकील के माध्यम से भी कहा था,
भारत माई का स्वागत होगा, ठीक है। कोई चोर थोड़ी आ रहा है, कोई गुंडा थोड़ी आ रहा है, वो कोई बदमाश है अपने बच्चों के लिए आ रहा है। क्या सरकार रोकेगी? कोई सरकार नहीं रोक रही। हमारी भारत सरकार बहुत, जब से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं कहता हूँ हमने सीखा है, हर चीज सीखी है, ठीक है। हम कोई भी हमारे प्रधानमंत्री आए, सबने ये नहीं कहा कि भाई हम किसी का वो करते हैं या किसी भी मजहब का या किसी भी पड़ोसी देश का, नहीं। अगर कोई ऐसी बच्चों की बात आएगी ना, तो हर पिता का एक हक होता है, हर एक पिता की लड़ाई होती है, हर एक पिता का सच होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ूं। और भाई कानून के दरवाजे खुले आपके लिए, भारत सरकार के, आता क्यों नहीं? आ, मैं बैठा, भारत सरकार है, भारत के लोग हैं, जैसे तुम है ऐसे हम है। आ भैया, और सूर्य वर्मा हमेशा तेरे साथ है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, हमारा जो संविधान है, हमारी जो संविधान के अंदर हमारी कानूनी प्रक्रिया है ना, वो सीमा हैदर के लिए, एपी सिंह के लिए और सचिन मीणा के लिए बहुत तेज हो चुकी है। उनको जानकारी दे रहा हूँ चैनल के माध्यम से, और गुलाम हैदर के बच्चे अवश्य मिलेंगे।